दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रूस के एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रासन डोर को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों क्रासन डोर रूस के क्रासन डोर क्राय का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। यह शहर दक्षिणी रूस में कुबान नदी पर स्थित है जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ निवासियों और शहरी उपनगर में 1 मिलियन निवासियों तक है। दोस्तों पिछले दशक में क्रासन डोर ने तेजी से जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है जो रूस के 13वां सबसे बड़ा शहर बन गया है। दोस्तों दक्षिणी रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, साथ ही दक्षिणी संघीय जिला भी है। दोस्तों शहर की शुरुआत 1793 में कुसैंग्स द्वारा बनाए गए एक किले के रूप में हुई थी और यह दक्षिणी रूस के लिए एक व्यापारिक केंद्र बन गया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में शहर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन युद्ध के बाद इसका पुनर्निर्माण और भी जोरों शोरों से हुआ। दोस्तों क्रासन डोर दक्षिणी रूस का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। 2012 में फोर्ब्स ने क्रासन डोर को रूस में व्यापार के लिए सबसे अच्छा शहर बताया। क्रासन डोर ने क्रासन डोर स्टेडियम सहित कई दर्शनीय स्थल है। इसका मुख्य हवाई अड्डा क्रासन डोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों क्रासन डोर की स्थापना 12 जनवरी 1794 के यक्तेनीडोर के रूप में की गई थी। मूल नाम का अर्थ है कैथरीन का उपहार, जो कैथरीन द ग्रेट द्वारा क्यूबन क्षेत्र में ब्लैक सी कुसैक और अलेक्जेंड्रिया के सेंट कैथरीन के भूमि अनुदान दोनों को मान्यता देता है, जिन्हें शहर का संरक्षक माना जाता है। दोस्तों इस शहर को शहर का दर्जा 1867 में दिया गया था। दोस्तों शहर की उत्पत्ति 1793 में एक सैन्य शिविर के रूप में हुई थी, फिर शाही सीमाओं की रक्षा और सरकसिया पर रूसी प्रभुत्व का दावा करने के लिए कुसैकस द्वारा बनाए गए एक किले के रूप में किया गया था। दोस्तों एक दावा जिसका ओटोमन तुर्की ने विरोध किया था। दोस्तों क्रासन डोर की जनसंख्या के हिसाब से क्रासन डोर क्राय का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2010 के जनगणना के अनुसार यह रूस का 17वां सबसे बड़ा शहर है और 2021 तक रूस का 13वां सबसे बड़ा शहर है। यह कुबान नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह रूसी राजधानी मॉस्को से 1300 किलोमीटर दक्षिण में, काला सागर पश्चिम में 120 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोस्तों 2021 तक जनगणना के अनुसार क्रासन डोर की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। दोस्तों क्रासन डोर दक्षिणी रूस का आर्थिक केंद्र है। दोस्तों कई वर्षों तक फोर्ब्स पत्रिका ने क्रासन डोर को रूस के व्यापार के लिए सबसे अच्छा शहर बताया। दोस्तों शहर के औद्योगिक क्षेत्र में 130 से अधिक बड़े और मध्यम आकार के उद्यम हैं। दोस्तों क्रासन डोर एक अत्यधिक विकसित और वाणिज्यिक क्षेत्र है और रूस के दक्षिणी संघीय जिले में इसका वार्षिक कारोबार सबसे बड़ा है। दोस्तों 2010 में खुदरा व्यापार का कारोबार 290 बिलियन रूबल तक पहुँच गया था। दोस्तों प्रति व्यक्ति क्रासन डोर में रूस में सबसे अधिक मॉल है। दोस्तों शहर का सबसे पुराना हिस्सा क्रासन डोर ऐतिहासिक केंद्र है और यह जिला अब एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। दोस्तों शहर का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय पुश्किन क्रासन डोर क्षेत्रीय सार्वभौमिक वैज्ञानिक पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। दोस्तों रूस में शौकिया खेल सिंटी का केंद्र क्रासन डोर में ही है। दोस्तों रूस के कई अन्य प्रमुख शहरों की तरह क्रासन डोर में स्थानीय परिवहन का प्राथमिक साधन ऑटोमोबाइल है। हालांकि परिवहन के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता बढ़ने का प्रयास जरूर किया गया है। दोस्तों इन सभी के अलावा यह शहर बहुत बड़ा पर्यटन शहर भी है, जहां पर आप क्रिस्टी कोबियसा, रोस्चा और स्लोनची उत्सव जैसे जगहों को देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो और यह शहर आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।